बड़ी खबर, हरियाणा के कृषि मंत्री जेपी दलाल का बड़ा बयान। दीपेंद्र हुड्डा के आंदोलन की चेतावनी पर जेपी दलाल की ओर से बयान दिया गया है। उन्होंने दरअसल किसानों से माफी मांगी दीपेंद्र हुड्डा, ये कहा गया है। उनकी सरकार में किसानों की हालत खराब थी, साथ ही साथ कहा कि हमने किसानों का मुआवजा, कृषि बजट, नहरी बजट 3 गुना बढ़ाया। कोई भी कांग्रेसी आंकड़ों के साथ बहस करे, मैं तैयार हूं, ये जेपी दलाल की ओर से कहा गया है। इसके साथ उन्होंने कहा कि किसानों के कंधे पर बंदूक रखकर राजनीति ना करे कांग्रेस, ये भी साफ तौर पर कृषि मंत्री की ओर से कहा गया है। दरअसल आंकड़ों की बात या फिर जिस तरह से मुआवजे की बात बार बार कही जा रही है कांग्रेस की ओर से, जो मसला उठाया जा रहा है इसी को लेकर अब जेपी दलाल ने कहा है कि आंकड़े लेकर आ जाए और बहस कर ले, किसी भी कोई भी कांग्रेसी इस समय आंकड़ों के साथ आकर बहस कर ले, मैं बहस के लिए पूरी तरह से तैयार हूँ। जेपी दलाल ने साफ कहा है कि किसानों के कंधे पर बंदूक रख कर राजनीति ना करें कांग्रेस। दीपेंद्र सिंह हुड्डा पहले किसानों से माफ़ी मांगे कि उनके वक़्त में जो तो किसानों की हालत हुई थी उनको मुआवजा नहीं दिया था, हम उससे उनकी सरकार से 3 गुना 4 गुना मुआवजा देते हैं। कृषि का बजट हमने 3-4 गुना बढ़ा रखा है, नहरों का बजट 3 गुना बढ़ा रखा है, मछली का बजट जो है 10 गुना बढ़ा रखा है। किसानों को केंद्र सरकार का बजट है कृषि का, वो भी 5 गुना बढ़ा रखा है। सम्मान निधि के पैसे हम देते हैं। बीमा के बारे में भी बहुत सारे लोग विरोध करते थे, बीमा कंपनियों से भी 6,000 करोड़ रुपये किसानों को मिले हैं। जितना फ़ायदा किसानों को भारतीय जनता पार्टी की सरकार में हुआ है वो पिछली सरकारों से कंपेयर करें, मेरे से कोई भी कांग्रेस का आदमी आके बहस करे, आंकड़े सच्चाई बता देंगे। उनको तो किसानों से क्षमा याचना करनी चाहिए कि वो अपने वक्त में किसानों की मदद नहीं कर पाए।